आज बाबा साहब के पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर हम संकल्प लेने आए हुए हैं कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 20 लाख विद्यार्थियों को फीस भरपाई एवं वजीफा नहीं मिला। और दूसरी मांग हमारी ये है कि विगत दो सरकारों के पहले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को जीरो बैलेंस पर दाखिला होता था और उसी जीरो बैलेंस के दाखिले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सामान्य और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को भी शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की सुविधा अनुमन है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देश के संविधान निर्माता हैं, उनकी प्रतिमा के सामने संकल्प लेते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जीरो बैलेंस पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथ साथ सभी वर्ग के विद्यार्थियों का दाखिला के लिए संघर्ष करेंगे, 20 लाख बच्चों को जो छात्रवृत्ति नहीं मिली है उनको दिलाने के लिए काम करेंगे और उन 20 लाख विद्यार्थियों में 14 लाख ओबीसी के हैं, 2 लाख माइनॉरिटी के हैं, 4 लाख जनरल के और एससी के हैं। ऐसी स्थिति में एक तरफ तो सरकार कहती है गरीबों के पक्ष में बात करती है और दूसरे तरफ जब गरीबों के बच्चों को उच्च शिक्षा दाखिल करने की बात आती है तो उन्हें फीस की भरपाई और छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। और इसी संकल्प को लेकर के हम लोग सभी महापुरुषों से महापुरुषों की प्रतिमाओं के सामने संकल्प करते हुए पूरे प्रदेश में जन जागरण के साथ साथ एक अभियान चलाए हुए हैं। उसी अभियान के तहत बाबा साहब को नमन करते हुए इस मेधा मिशन अभियान को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस अभियान की शुरुआत कब हुई, जनरल और ओबीसी को शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की सुविधा दिलाने वाले मेधा महानायक स्वर्गीय श्री लक्ष्मीकांत शुक्ला ने उत्तर प्रदेश सरकार को माननीय उच्च न्यायालय में शिकस्त दे करके ये सुविधा हासिल कराई है, उनके सपनों को साकार करने का हम संकल्प लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।